हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, हम आपको बता दें कि 31 मार्च को हनुमान जयंती है। श्री हनुमान अंक के अनुसार प्राचीन समय में चैत्र मास की पूर्णिमा तिथि पर हनुमान जी का जन्म हुआ था। इस तिथि पर हनुमान जी के लिए विशेष पूजा की जाती है। दोस्तों, इनके मंदिरों में भक्तों की भीड़ लगी रहती है। बजरंग बली के अलग अलग स्वरूप बताए गए हैं। इन स्वरूपों में पंचमुखी हनुमान भी शामिल हैं। जी हाँ दोस्तों, इस स्वरूप की पूजा करने से किसी भी व्यक्ति की किस्मत चमक सकती है। आइए हम आपको बताते हैं पंचमुखी हनुमान से जुड़ी कुछ खास बातें। दोस्तों, हनुमान जी पंचमुखी स्वरूप में उत्तर दिशा में वराहमुख, दक्षिण दिशा में नरसिंह मुख, पश्चिम में गरुड़ मुख, आकाश की तरफ हयग्रीव मुख और पूर्व दिशा में हनुमान मुख है। दोस्तों, पंचमुखी हनुमान की पूजा करने से जो लाभ मिलते हैं उनके बारे में हम आपको बताने जा रहे हैं। दोस्तों, नरसिंह मुख की पूजा करने से शत्रुओं पर विजय मिलती है। गरुड़ मुख की पूजा करने से सभी परेशानियों से मुक्ति मिलती है। सभी प्रकार की सुख समृद्धि पाने के लिए वराहमुख की पूजा करनी चाहिए। जो लोग हयग्रीव मुख की पूजा करते हैं उन्हें ज्ञान की प्राप्ति होती है। हनुमान मुख की पूजा करने वाले भक्तों को सभी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। तो दोस्तों, इस खबर में बस इतना ही। ऐसी खबरों से अपडेट रहने के लिए सब्सक्राइब कीजिए हमारा चैनल।